Hello friends, I am Pushpendra Kumar from Sanskrit Faculty, Same Gen Institute of Education. जैसा कि बच्चों आप लोग को पिछले क्लास में मैं कुंभकारस्य चातुर्यम चैप्टर द्वितीय पार्ट पढ़ाया था, अब अगर उसका प्रश्न उत्तर लिखाना था आज वो देख लीजिए। एक पद में आंसर लिखना है उसका, पहला प्रश्न है भोजो नाम राजा कुत्रासित, भोजो नाम का राजा कहाँ रहता था, तो धारा नगरी में रहता, धारा नगरिया हो जाएगा, धारा नगरिया। कुंभकारस्य पत्नी कस्य दर्शनम इच्छति, कुंभकार की पत्नी किसका दर्शन करना इच्छा, किसका दर्शन की इच्छा जताती है, तो राजा का, निरपश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंभकारा मृतकाया खनने किम पश्यति, कुंभकार ने जब कुंभकारा मृतकाया खनने किम, कुंभकार को जब मिट्टी को खोदा तो उसे क्या मिला, निधान कलशम, क्या दिखाई दिया, निधानम, निधान कलशम। अगला प्रश्न है निरप निधान कलशे कानी पश्यति, निरपण निधान कल से कान, तो क्या हो जाएगा यहाँ, रत्नानी। अब आइए एक वाक्य में उत्तर देना है, पहला प्रश्न है भोजो नाम राजा कीदृशः आसीत, भोजो नाम राजा कैसा था, तो भोजो नाम राजा अतीव निपुणः विद्वानः प्रजापालकश्च आसीत्, प्रजापालकश्च आसीत्। अगला प्रश्न कुंभकारस्य पत्नी द्वारपालम, कुंभकार की पत्नी द्वारपाल से क्या कही, कुंभकारस्य पत्नी द्वारपाला वदति 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 अहम निरपस्य दर्शनम इच्छामि, मैं राजा का दर्शन करना करने की इच्छा जताती हूँ, करना चाहती हूँ, दर्शनम इच्छामि। अगला प्रश्न है को राज्यसभा प्राप्य कुंभकारस्य पत्नी प्रथमा किम करोति, राज्यसभा प्राप्य कुंभकारस्य पत्नी प्रथमतः राजानं नमति, राजसभा में पहुंचकर कुंभकार की पत्नी पहले राजा को प्रणाम की। भोज त निधान कलशम कस्मै यच्छति, भोज तम निधान कलशम कुंभ काराए
क्षति। अब इसका एक वाक्य प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। अब हम अगला चैप्टर अगला पार्ट पढ़ेंगे, नला दमयंती च, नल और दमयंती की कहानी पढ़ेंगे आगे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।